सतना की सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत धवारी गली नंबर 1 में मिक्सी में मसाला पीसते समय अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद बिजली के बोर्ड में आग लग गई। घटना के वक्त मौके पर मौजूद मृगेंद्र कुशवाहा व आशीष कुशवाहा बिजली के बोर्ड में लगी आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन दोनों लोग शॉर्ट सर्किट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद आसपास के लोग वहां पहुंच गए और बिजली सप्लाई बंद करके किसी तरह आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। घायलों को इलाज के लिए फिर जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ तीनों घायलों को भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि इन दिनों शहरों में लो वोल्टेज की भारी समस्या है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वोल्टेज की समस्या को लेकर शहरवासियों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। बोर्ड से फल्ट हुई डोरी से, तो वो जो सामान था तो सब में आग लग गई, तो बहू की साड़ी में आग पकड़ी है और मतलब साड़ी भी जल गई। सिलेंडर वलेंडर भी फटा है क्या? जला है? नहीं, सिलेंडर में नहीं। मतलब मिक्सर मशीन के चक्कर में आग लगेगी शॉर्ट सर्किट से? इसी बोर्ड में लगी, बोर्ड से पूरे घर में फैल गई। जब इन लोग बुझाने गए तो इन लोग चपेट में सब आ गए। कई लोग घायल हुए इसमें? तीन। क्या नाम है इनके? फिर मैं जब उसको देखी, बच्चे को दौड़ के गई अम्मा अम्मा, तो मैं वहाँ पहुँची तो लेके बाल्टी से पानी मारी उसको, मैंने से उसको गिरा दी। तो इसमें घायल कितने लोग? क्या नाम है इनके? मृगेन बच्चा है अपना, और बहू भारती कुशवाहा, और वो लड़का जो है वो टाली चौराहे, वो लड़का काम करता है।